मित्रों, ये तो हर कोई जानता है कि भगवान परशुराम श्रीहरि के छठे अवतार हैं, जिन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सिर ही फरसे से अलग कर दिया था। लेकिन क्या आप उनके राम से परशुराम बनने की कहानी जानते हैं, या फिर क्या आपको ये पता है कि इस समय भगवान परशुराम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? तो अगर आप भी इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, या फिर जानना चाहते हैं भगवान परशुराम के बारे में कुछ नया और रोचक, तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान विष्णु ने हमेशा ही एक अवतार के बैकुंठ लौटने के बाद दूसरा अवतार लिया है, अर्थात एक समय पर भगवान विष्णु के दो अवतार धरती पर नहीं रहे। लेकिन जब से भगवान परशुराम ने उनके छठे अवतार के रूप में जन्म लिया है, तब से आज तक वो जीवित ही हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु का वो एकमात्र ऐसा अवतार है जिन्होंने अपने बाद के अवतारों के समय भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, और कल की अवतार के समय तक वो इस धरती पर मौजूद रहेंगे। बाल्यावस्था में परशुराम के माता पिता उन्हें राम कहकर पुकारते थे। जब राम कुछ बड़े हुए तो उन्होंने पिता से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और उनके सामने धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की, जिस पर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें हिमालय पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद पिता की आज्ञा मानकर राम हिमालय जाकर भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गए। उधर असुरों ने देवताओं पर हमला कर दिया, जिससे त्रस्त होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और सहायता मांगने लगे। तब शिव जी ने तपस्या कर रहे राम को असुरों का नाश करने के लिए कहा। महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए राम ने बिना किसी अस्त्र के ही सभी असुरों का नाश कर दिया। राम का ये साहस देखकर भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न हुए और राम को उन्होंने कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इन्हीं में से एक था परशु, जिसे फरसा भी कहा जाता है। ये अस्त्र राम को सबसे अधिक प्रिय था और इसी अस्त्र के नाम पर राम को परशुराम कहा जाने लगा। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश का एक दांत तोड़ने वाले भी परशुराम ही थे, और इस कारण ही भगवान गणेश को एक दंत कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार जब परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश पर पहुँचे तो वो ध्यान में लीन थे। इस कारण श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात पर क्रोधित होकर परशुराम जी ने गणेश पर ही वार कर दिया। अब चूंकि फरसा उनके पिता यानी कि भगवान शिव ने ही परशुराम को दिया था, ऐसे में गणेश फरसे का वार खाली जाने नहीं देना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने ये वार अपने दांत पर झेला और इस तरह उनका एक दांत टूट गया। इसके अलावा जब धरती पर क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ा और सहस्त्रार्जुन ने भगवान परशुराम के पिता का वध कर दिया, तो परशुराम जी ने इस धरती को एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। कहा जाता है कि परशुराम की मां ने अपने पति की मौत पर 21 बार छाती पीट पीट कर विलाप किया था, और उसी वक्त परशुराम ने यह शपथ ली थी कि जब तक वो 21 बार है वंश के क्षत्रियों का सहार नहीं कर देंगे, वो अपने शस्त्र नीचे नहीं रखेंगे। इसीलिए जिधर भी परशुराम चलते थे, उधर से क्षत्रिय अपना रास्ता बदल लेते थे। त्रेता युग में भगवान राम ने ही परशुराम को द्वापर युग तक सुदर्शन चक्र संभालने की जिम्मेदारी दी थी। इसीलिए गुरु संदीपनी के यहाँ आकर परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र सौंपा था। यही नहीं, भगवान परशुराम तो इतने महान थे कि उन्होंने महाभारत काल में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को भी शस्त्रों की विद्या दी थी। और जब परशुराम जी को ये पता चला कि उनके शिष्य कर्ण ने उनसे सूतपुत्र होने का झूठ बोला है, तो उन्होंने कर्ण को भी श्राप दिया था। दरअसल महाभारत के अनुसार एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। अब गुरु की नींद में विघ्न न आए, ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने कर्ण को दर्द सहते देखा, तो वो समझ गए कि कर्ण सूत नहीं बल्कि किसी क्षत्रिय के पुत्र है, और इसी बात से क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तुम ये विद्या भूल जाओगे। और मित्रों, अंतिम समय में जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहे थे, तो वह परशुराम जी के श्राप के कारण ही अपनी शस्त्र विद्या भूल गए, जिसके बाद अर्जुन के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। कर्ण के अलावा भीष्म पितामह को शस्त्र विद्या देने वाले भी परशुराम ही थे, लेकिन उनका गुरु होने के बावजूद वो भीष्म को हरा नहीं पाए थे। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म द्वारा हरण किए जाने के बाद
जब काशीराज पुत्री अम्बा को अपनाने से सभी ने मना कर दिया तो वो भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास पहुंची और अपनी पूरी कहानी जा सुनाई। इस पर परशुराम जी ने भीष्म को ही अम्बा से विवाह करने के लिए कहा और जब वो नहीं माने तो उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। एक तरफ परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे तो दूसरी तरफ भीष्म को भी कभी किसी युद्ध में नहीं हारने का वरदान प्राप्त था। ऐसे में दोनों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता देख सभी देवताओं और परशुराम के पितरों ने उन्हें अस्त्र रख देने की प्रार्थना की थी, जिसके बाद अंत में परशुराम जी ने अपने शस्त्रों का त्याग कर युद्ध को रोका था। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि परशुराम जी को भी अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है और कलयुग में भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम ही होंगे, इसीलिए वो इस धरती पर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वो उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दे सके। धर्मशास्त्रों में मिलने वाली इन कथाओं के अनुसार जब भगवान राम ने त्रेता युग में धनुष भंग कर माता सीता से विवाह किया था तब परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन थे। धनुष की टंकार से उनकी तपस्या टूट गई थी और वो सीधा जनकपुरी जा पहुँचे थे। वह भगवान राम और लक्ष्मण से भेंट होने के बाद वो पुनः महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तप करने लगे थे। शास्त्रों के अनुसार महेंद्रगिरी पर्वत हमेशा से ही भगवान परशुराम का तपोस्थान रहा है। काल कोई सा भी क्यों ना हो, भगवान परशुराम हमेशा यही तपस्या करते हैं और आज भी वो इसी पर्वत पर मौजूद है। तो मित्रों, ये थे भगवान परशुराम से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताना न भूलिएगा और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।